यू मस्ट सी द बोर्ड्स द एडवर्टाइजमेंट ऑफ आईलेट्स एट एवरी थर्ड शोरूम. आईलेट्स इज ए इंग्लिश टेस्ट. सो आर स्टूडेंट्स यूज टू सिट इन आईलेट्स एग्जाम एंड दे वांट गो टू कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक्सेट्रा. बट मैं ये नहीं कहता कि वहाँ जाना नहीं चाहिए. मैं ये कहता हूँ अगर हमारे पास कनाडा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ के वोकेशनल ट्रिप हों, आपस में टाई अप हो, हमारे स्टूडेंट वहाँ जाएँ आपके यहाँ आएँ, कल्चर नॉलेज शेयरिंग हो, तो वो हमारे स्टूडेंट आपके स्टूडेंट मिलें अच्छे तरीके से, तो बहुत कुछ हो सकता है. रिसेंटली आई विजिटेड जर्मनी इन बावेरिया स्टेट म्यूनिख. आई सॉ अ यूनिक काइंड ऑफ बिल्डिंग दैट्स कॉल्ड मेकर स्पेस. मेकर स्पेस एक कॉलेज में आमतौर पे एक लाइब्रेरी लैबोरेटरी होती है. कितने स्टूडेंट होंगे, 70 होंगे, 100 होंगे. उन्होंने सभी आसपास के कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ को इकट्ठा करके एक स्पेस बना दिया उनके लिए कि यहाँ आइए. 1,000-1,500 स्टूडेंट आते हैं वहाँ पे. स्पेस शटल से लेके वुडन वर्क तक सब कुछ कंप्यूटराइज्ड एंड मशीनें लेटेस्ट वहाँ रखी हुई हैं. एंड 100 स्टूडेंट जो है वो नॉलेज शेयरिंग करता है. उससे क्या होगा, 10 गुना बढ़ेगा जब 1,000 स्टूडेंट आपस में नॉलेज शेयरिंग करेगा. सो इट्स अ टाइम ऑफ नॉलेज शेयरिंग. नाउ शेयर द नॉलेज विद ईच अदर. सो G20 इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप. वी आल्सो लकी दैट अमृतसर साहब को 2 G20 समिट मिले, 15, 16, 17 on education and 19 and 20th on labor. So to upgrade our educational promise with the people, 30 million people, aur hamari school ki education ko upgrade karne ke liye, we have sent 2 batches of consisting like 66 principals, 33 each, to the Singapore for the latest Singapore Academy of Principal Training to upscaling their expertise and being exposed to some of the best international practice in teaching and learning. So we are sending 33 principals and teachers every month. So they will share their experience with their colleagues and they will use it to the latest techniques of teaching. So I'm happy to share that the state has allocated 17,072 crore of rupees for higher and school education sector for the coming financial year in the past budget a few days ago. So education is our first priority. आम तौर पे जो हमारे स्टूडेंट हैं वो मैथ में बहुत हाई है और दुनिया में जहां माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे या स्टारबक्स में जाओगे, बोइंग में जाओगे, 40%, 45%, even 50% इंजीनियर्स आर इंडियंस बिकॉज वी आर वेरी मच हाई इन मैथ. वी डोंट यूज कैलकुलेटर्स. वी डोंट यूज कैलकुलेटर्स. आर ब्रेन्स आर कैलकुलेटर्स एक्चुअली. 8x8 64, 9x8 72, 9x9 81. So this is a traditional way of teaching the math. 2x2 4, 4x4 16, 16x4 64.
सो मैथ्स का जमाना है तो मैथ्स में हम बहुत आगे हैं, और G20 में जो भी आप डिस्कस करोगे, अच्छे आइडियाज और अच्छे आपके जो डेवलपमेंट्स जो आप अपने कंट्रीज का शेयर करोगे, मैं आपसे वादा करता हूं जो इन 3 दिनों में ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी ऑन एजुकेशन, आई एम वेरी एक्साइटेड दैट वेन एवर द रिजल्ट केम ऑफ द 3-day एजुकेशनल वर्कशॉप, आई विल अप्लाई इट इमीडिएटली इन माई स्टेट. आई विल अप्लाई इट इमीडिएटली टू अपग्रेड माई स्टेट इन द एजुकेशन फील्ड. हमारे यहां आप दरबार साहब देखोगे, आपको कल्चर भी दिखाएंगे. शाम को, हर शाम को आपके लिए कल्चर प्रोग्राम रखा है, उसमें देखना कि हमारा पंजाब जो है वो गुरुआं पीरां दी धरती, हमारे सॉन्ग्स सिंस द बर्थ ऑफ द बेबी टिल द डेथ ऑफ ओल्ड मैन. सॉन्ग्स हमारे पास पैदा होने से लेके मरने तक के अलग अलग बैराग, अलग अलग रंग हैं. हमारा खाना वो तो फेमस है, और अगर 3 दिन में आपने पंजाबी खाना खाया हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन तुम्हारे लिए एक दिक्कत की बात ये रहेगी कि 2 से 3 किलो वेट बढ़ सकता है, बिकॉज सरसों का साग, मक्की की रोटी एंड वाइट कलर ऑफ बटर. तो आप 2-3 किलो का थोड़ा लेके चलना, लेकिन खाना पंजाबी. वो 2-3 किलो जब किसी और स्टेट में जाओगे तब तक प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो जाएगी, वो 2-3 किलो वो लिक्विड फैट है वो चली जाएगी, वो इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है. सो हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी, देश के हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, और हमारी इंडियन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से अधिकारी, और पर्दे के पीछे जिन्हें जो अधिकारी काम कर रहे हैं, और जितने भी देश उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं, उनके मीडिया वाले, और हमारे पास बहुत से स्टूडेंट आपके देशों के यहाँ भी पढ़ते हैं, हम उनको लाइजन अफसर आपके साथ तैनात करेंगे. और मैं लगता है कि जिहड़ा तुसी जिस जगह पर बैठे हो, इट्स अ वेरी वेरी हिस्टोरिकल प्लेस. सो मैं एक बार फिर आपका यहाँ पहुँचने पर वेलकम करता हूँ, एंड आई थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर होस्टिंग जी दिस G20 सेशन इन अमृतसर. इट गिव अस द ओकेजन टू शोकेस ए रिच हेरिटेज एंड टूरिस्ट पोटेंशियल ऑफ नॉट ओनली अमृतसर बट पंजाब इन जनरल. सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू ऑल विल गो बैक with happy memories of your visit to our state. So I extend my best wishes for the success of this event. Thank you very much for coming here. And hamare yahan ek bola jata hai, tusi ghar saade aaye assi fulle na samaye, saade ghar tashreef le aayan nu saade saryan vallon ji aayan nu. Welcome. Welcome, welcome, and hope for very healthy and fruitful event. I thanks all the dignitaries from different countries and media persons from the different countries. Aur is summit ko kamyab karne mein jis vyakti ka bhi haath hai, chahe wo koi aapki car ka driver bhi ho, agar wo time pe na aaya to इस पूरे सबमिट में एक बात बन सकती है कि टाइम के पाबंद नहीं है ये जहाँ गए थे. तो मुझे लगता है कि हर एक का बराबर का हिस्सा है. सो और ये नहीं है कि आज हम मिले बस उसके बाद चले जाएंगे. हिंदी में एक शेर है कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे. बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. और आपका यहाँ पे
रहना मंगलमय हो, इत्थे रह के तुसी खुश होवो, ते तीन दिन बाद तुसी सारी जिंदगी लिए अपनी मैमरीज जिहड़ियां वो इत्थों लैके जाओ, ते जाके दसो कि अमृतसर साहब असी गए सी ते उत्थों दे लोग जिहड़े ने वह इन्ना प्यार करन वाले ने, इन्ने वह मेज़बान ने, गुड गुड हॉस्पिटैलिटी जो है साड़ी वो असी अपने वालों बेस्ट करांगे, साडे वालों तुहाडे सन्मान दे विच कोई कमी रह जाए तो माफ़ी चाहवांगे, पर असी कमी रहन नहीं देनी। बहुत बहुत धन्यवाद।